आई होप कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हो सल्यूशन अच्छे से लिख लिख लीजिएगा आप लोग ठीक है ये वही क्वेश्चन कुछ, हैं जो एग्ज़ाम के वक्त रिविजन के काम आएंगे आप लोगों को ठीक है ये ऐसे क्वेश्चन हैं इससे लैंग्वेज इंटरप्रटेशन के साथ साथ कैलकुलेशन के साथ साथ जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो आपके रिवाइज़ होंगे ठीक है तो हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम लोग टाइम एंड वर्क में पहुंच गए हैं अभी इससे पहले एलजेब्रा लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम थी ठीक है बहुत आसान है आपको तीन पॉइंट्स मैंने बताए थे टाइम एंड वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है तीन पॉइंट्स मैं फिर से रिवाइज करूंगा आप लोगों के लिए दैट ऑल ऑल कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस इन टाइम टाइम एंड वर्क वर्क आर डन ऑन यूनिट यूनिट लोग का ऑफ वन डे वर्क भी कह सकते हो वन मिनट वर्क भी कह सकते हो एज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर ऑफ डेज आर गिवन टू यू सो वन डे वर्क ठीक है उसके बाद नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल इफ यू यू डू विल गेट वन डे वर्क और वन डे वर्क का रेसिप्रोकल आप करोगे यू विल गेट नंबर ऑफ डेज ठीक है तो उसी के हिसाब से ए ए के बारे में क्या दिया है ए एन बी ए एन बी दोनों कंबाइंडली ए प्लस बी लिखूंगा ठीक है ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को बारह दिन में करते हैं तो दोनों का जो वन डे वर्क होगा मैं डायरेक्टली आई एम राइटिंग वन डे वर्क क्योंकि सारे कैलकुलेशन वन डे वर्क के साथ ही तो करते हैं और अभी मैंने बोला था कि नंबर ऑफ डेज़ का रिसिप्रोकल ट्वेल्व का रिसीप प्रोकल करोगे वन बाई ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है तो ये क्या है वन बाय ट्वेल्व क्या है दिस इज वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी और बी अलोन बी जो है अकेला फिनिश इन थर्टी डेज तो बी का जो वन डे वर्क हो जाएगा वन डे वर्क बी का जो हो जाएगा वन डे वर्क दैट विल बी नथिंग बट वन बाई थर्टी ओके अब आपको ए अलोन निकालना है तो पहले आप ए का वन डे वर्क निकालेंगे क्योंकि सारी कैलकुलेशन वन डे वर्क के साथ होती हैं तो अगर आप ए प्लस बी से बी माइनस कर देंगे ए आ जाएगा ए कैसे आएगा ए का जो वन डे वर्क है सारी कैलकुलेशन वन डे वर्क के साथ होती है तो ए का वन डे वर्क कब आएगा जब आप ए प्लस बी में से बी को माइनस कर देंगे तो ए प्लस बी का मतलब है वन डे वर्क है सारे वन बाई ट्वेल्व माइनस वन बाई थर्टी ठीक है सो द एल सी एम विल बी सिक्सटी सो इट विल गोइंग टू बी ट्वेल्व फाइव ज़ा थर्टी टू ज़ा फाइव माइनस थ्री बाई सिक्सटी मतलब वन बाई ट्वेंटी आ जाएगा वन बाई ट्वेंटी तो ए का वन डे वर्क आ गया 1 वन बाई ट्वेंटी वन डे वर्क का रिसिप करोगे टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा तो ए ने कितने दिन काम किया है ट्वेंटी डेज ठीक है सो द आंसर इज ट्वेंटी डेज नॉट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी डेज इज़ द राइट आंसर